जी खाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम पिज्जा खाने आए यासिर के घर। ट्राई कर रहे हैं, कलर चेक कर रहे हैं, ऊपर समान डालने और पिज्जा बनाना है। मंचूरियन बन रहे हैं, तो ये रेडी हो चुके हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम करने लगे हैं घर की थोड़ी सेटिंग, इस कमरे की सेटिंग करने लगे हैं। जो सोफ़े थे ये पड़े हुए थे यहाँ पर, यहाँ से उठा के इनको रख दिया है वहाँ पे, और वहाँ पर ये खड़ी हुई थी टीवी ट्रॉली, इसको अभी हमने यहाँ से हटा लिया है। कालीन को उठाना, चीज़ों को सेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी हम सब कुछ सेट करेंगे क्योंकि शाम को होने वाली यहाँ पर पार्टी, मेहमान आने वाले हैं, तो हमने सोचा सेटिंग कर लें ताकि नीचे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकें। ऊपर से मज़ीद इस तरह की और गद्दे लेकर आने हैं हमने, वो यहाँ पर पूरे सेट करने हैं, और यहाँ पर पूरी सेटिंग होगी, सेट करके फिर आपको दिखाते हैं। और खाने जो हैं बड़े मज़े के बन रहे हैं सुबह से, बल्कि कल शाम से हमने तैयारी कर रखी है, कल शाम से खाने बना रहे हैं। कुछ चीज़ें माइंड मैरिनेट करनी थी वो करके रखी हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो सुबह बन रही हैं, सुबह से लगी हुई है, बना रही है। गैस नहीं थी तो हमने सिलेंडर यूज़ किए हैं, अब गैस आ गई है तो काम जो है वो तेज़ी से जारी है। तो अंदर की सेटिंग तो तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, अब कुछ बाहर की सेटिंग रहती हैं। जो गेट के ऊपर पेंट शेंट करवाया है तो उसके ऊपर जो ग्लोब लगे हुए थे उनको उतारा है, उनको भी लगाना है, सेट करना है। पूरी जगह आपको दिख रही होगी, एक बल्ब लगा हुआ है, बाकी तीन बल्ब और लगाने हैं, इनके ऊपर ग्लोब लगाना है, लाइट जलानी है। और जो ग्राउंड है इसकी भी काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बदल गई हैं। जब हम गांव गए हुए थे 4-5 दिन, हमने वहाँ पे लगाए हैं, तो वहाँ से जब हम वापस आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम अबू ने करवा लिया है, उसमें ये पेंट शेंट भी था इसका। सबसे पहले ये वाला पेंट था जो यहाँ पे कराया है, ये ऐसे फील हो रहा है जैसे लकड़ी का बिल्कुल तना हो और दरख्त बन रहा है। और ये सारा पेंट हो गया है, ग्राउंड जो है यहाँ पर भी ये सारा पेंट हो गया है, ये भी खजूर टाइप बन गया सारा कुछ, और ग्राउंड भी यहाँ पे लग गया है। ये कुछ हमने फूल पौधे लगाए हैं यहाँ पर, पौधे भी हैं इसमें, किन्नू भी है, मौसमी भी है, किसान कुछ गमले हमने बनाए हुए हैं। बाकी आज इसको ग्राउंड लगा के गोडी शोडी की है ताकि जो घास है वो जल्दी से आ जाए। बाकी गुलाब के फूल लगाए थे, शुरू में तो थोड़े मुरझा गए थे लेकिन अभी कुछ ये बेहतर हो रहे हैं। ये गुलाब लगा हुआ है, और ये अनार है जो कि चल रहा है अभी काम, और ये अमरूद का है पौधा, और वहाँ पर भी फूल शूल लग गए हैं। तो ग्राउंड भी तकरीबन कंप्लीट हो गया है, बस इसके अंदर अब चीज़ें उगना बाकी हैं। अभी सेटअप तो हमने डाल दिया, बीज हमने डाल दिया, अब देखें कब ये चीज़ें सब कंप्लीट होती हैं और बड़ी होती हैं और ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा होता है। बाकी अभी खाना शाना बन रहा है, फिर अंदर जा रहा हूँ। इब्राहिम जो है बहुत खुश हो रहा है, तंग भी कर रहा है क्योंकि हर बंदा बिजी है काम करने में, और इब्राहिम साहब जो हैं वो कह रहे हैं मुझे छोड़ दें, मैं भागूँ इधर उधर चीज़ें ख़राब करूँ। आ जाओ ये लो। टीम सब सो गए थे सुबह, फिर अभी उठे हैं और सबको तंग किया हुआ है। हो गया, दूध बैठ के पी लो, सो के पी लो, ठीक है। तो मज़ीद काम ख़त्म होता है तो आपको बताते हैं। सुबह से मैं अभी नहाया भी नहीं हूँ, बस काम शाम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे टीवी ट्रॉली हमने हटा ली है और ये वाली सेटिंग सारी बन गई है। तो ये जो अपनी अपनी जगह दिखी है ये सारी यूज़ होती है, लोग मतलब जो अरब के लोग हैं, अरबी लोग हैं, वो यूज़ करते हैं अपने घरों में, अपने अलग से उन्होंने डेरे टाइप जैसे बनाए होते हैं, वहाँ पर उन्होंने पूरा एक रूम होता है बहुत बड़ा, उसके अंदर ये सारा कुछ उन्होंने सेट किया हुआ होता है। जो भी मेहमान आते हैं, लोग आते हैं, वो वहाँ बैठते हैं, गपशप करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इस तरह का ये सारा सेटअप, ये सब कुछ अब्बू जो हैं वो सऊदी से लाए थे, जब वहाँ से उन्होंने सब कुछ ये भेजा था यहाँ पर, तो फिर हमने इसको सेट किया यहाँ पर। तो दूल्हा साहब रेडी हो गए हैं और दुल्हन हमने अभी ढूंढनी है।
हैं इब्राहिम, आप रेडी हो? आप रेडी हो? आप रेडी हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको तो नहीं मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। चलो बताओ, इधर आओ, बताओ नाम क्या है आपका? अपना नाम तो बताओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम इब्राहिम है? तो ये हमारे पास बन रहे हैं चिकन रोस्ट, चिकन फ्राई रोस्ट, और यहाँ पर इनको हम फ्राई कर रहे हैं। और ये जो हैं फ्राई हो के निकल चुके हैं। और कलर चेक करें आप, रंग चेक करें। माशाल्लाह, तो ये एक डिश अभी बनी है। जिससे ये हमने पिज़्ज़े की डो बना ली है, इसके ऊपर सामान शमान डालने और पिज़्ज़ा बनाना है। वो भी अभी आपको दिखाते हैं बनाते हुए। चिकन शाशलिक, और ये हमारे पास है चिकन मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, और ये पिज़्ज़ा सैंडविच है। और ये हमारे पास बन रहा है पिज़्ज़ा, और इसको अभी हमने कोई 8-10 पिज़्ज़े बन रहे हैं, तो ये इस तरह की शेप है पिज़्ज़े की। और इस पिज़्ज़े को हमने डाल दिया ओवन में। एक पिज़्ज़ा बन रहा है ओवन में, आपको नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। एक पिज़्ज़ा बन रहा है ओवन में, और दूसरा पिज़्ज़ा जो है देसी ओवन में। ये रहा हमारा देसी ओवन, पिज़्ज़ा बन रहा है। तो दो किस्म के पिज़्ज़े बन रहे हैं। देखो कौन कौन सा? एक देसी ओवन है, दिया बलाती ओवन है। अच्छा अच्छा। तो मेहमान सारे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सब आ चुके हैं, कुछ रहते भी हैं, तो खाना भी बस रेडी हो रहा है। उनके साथ बैठ के खाना बना रहे हैं। और ये गरम गरम पिज़्ज़ा भी हमने उतारा है, तो ये भी आप देख लें। हमने थोड़ी देर पहले टेस्ट भी किया था, हमने पहले एक बनाया था और वो बड़ा बेहतरीन बना हुआ था। तो सब पिज़्ज़े ऐसा सब बन रहे हैं, और फिर चलते हैं बाहर। जैतून नाज हमारे पास आई हुई है, तो अब मैं आपको मिलवाने लगा हूँ जैतून नाज से, जो कि हमारी खाला भी हैं, और उनका चैनल भी जैतून नाज के नाम से है, जो कि बहुत अच्छी शेफ़ हैं। आप उनका चैनल विज़िट कीजिएगा, और मैं अभी आपको मिलवाने लगा हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाएं जी। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम पिज़्ज़ा खाने हैं यासिर के घर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा, हमने वैसे टेस्ट किया, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैंने भी वैसे टेस्ट किया, अच्छा बना है ना, बहुत अच्छा बना हुआ है। और क्या कहना चाहेंगी आप? और मैं क्या कहना चाहूंगी, अब मैं भी खूब शुरू कर रही हूँ चैनल दोबारा से। आप इतने दिन कहाँ थी? मैं इतने दिन कहाँ थी? सफोज पे थी, मैंने ब्रांड बनाया है, वहाँ थी, बिजी थी, इसलिए ठीक है। बस तो ये हमारी खाले, इन्होंने अभी रिसेंटली एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम सफोज है, और लोकेशन उसकी है वेलकम चौक पर, आपको लोकेशन उसकी मिल जाएगी। सफोज के नाम से वो ब्रांड है, तो आप लोग आएँ वहाँ विज़िट करें, इनसे कपड़े लें, इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी देंगी। ठीक है खाला, डिस्काउंट देंगी? डिस्काउंट देंगी आप? हाँ, जितना आप चाहेंगे उतना दूंगी, चाहे मुझे घाटा दिया है। चलिए ठीक है, आप लोग विज़िट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हो? बच्चों क्या खेल रहे हो? ओह नो, इनो इनो, ओह नो, ओके इट्स ओह नो। तो ये बच्चे हैं जो क्रिकेट के ओनो खेल रहे हैं खाने के इंतजार में कि कब टाइम पास हो खाना आएगा हम खाएं। और ये इनका डांस चल रहा है। तुम क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? डांस कर रहे हो? अब वो डांस आ रहा है, वो जोर का आ रहा है। तो हमारे चाइनीज जो हैं वो राइस रेडी हो चुके हैं। दस्तर खान सज चुका है। बाबा होटल लेता है।
तो ये रहा हमारा सी डिश कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल, हम इसको सर्व करेंगे। तो गाइस खाना हमने खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त बना होता, हर चीज़ बेहतरीन बनी हुई थी, क्योंकि घर की चीज़ बनी हुई हो तो हमेशा बेहतरीन अच्छी बननी होती है। तो आज ठंड भी इतनी नहीं है, मौसम इतना ठंडा नहीं है कि आपको सर्दी लगे, मतलब अच्छा मौसम है, ठीक मौसम है। तो अभी चाय बन रही है, चाय पीते हैं बैठ के और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, रात हो गई है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर और लाइक भी कर दें। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।